दोस्तों ये है सिद्धू मूसेवाला की समाधि। यहाँ पे उनके फैंस अभी भी आए हुए हैं। यहाँ पे डेली बहुत भीड़ रहती है, कोई ना कोई आता रहता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सिद्धू मूसेवाला की समाधि को देखने के लिए। यहाँ पे पहले से थोड़ा चेंज कर दिया है इस एरिया को। पहले यहाँ पे ये शीशा लगा रखा था, साइड नहीं थी, अब यहाँ पे साइड बना दी पूरी की पूरी। और यहाँ पे गमले रख दिए और फूल भी यहाँ पे लगा दिए गए। बहुत सारा यहाँ पे बदलाव कर दिया गया। दो मूर्ति है सिद्धू मूसेवाला की, यहाँ पे एक हाफ है एक फुल मूर्ति है। सिद्धू मूसेवाला एक पंजाबी सिंगर थे और सिंगर के रूप में ही उनका ये स्टैचू बनाया हुआ है। और ये जो हाफ स्टैचू है ये देख सकते हैं, ये कुछ अलग तरीके का है यहाँ पे। और वो जो है उसमें अलग से शर्ट पहनाई हुई है और गले में ये गमछा डाला हुआ है, हाथ में माइक है और एक हाथ ऊपर को है। इसका मतलब यह है कि ये सिंगर के रूप में ये स्टैचू बनाया गया है। और यहाँ पे ये गाड़ियाँ रखी है, एक ट्रैक्टर रखा है। पहले यहाँ पे बहुत सारी ट्रैक्टर थे, ये गाड़ी नहीं थी, लेकिन ये थार का लुक दिया गया है। वो वाली जो थार जिसमें इनकी हत्या हुई थी, इनके घर पे खड़ी है, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाई है, वही वाली थार ये यहाँ पे रख दी गई। सिद्धू मूसेवाला अपने फैंस के दिल में आज भी जिंदा है। और यहाँ पे ये कटोरा भी रख दिया गया, शायद इसमें अगरबत्ती या कोई धूप बत्ती वगैरह ऐसा कुछ जलाया जाता होगा। यहाँ पे ये झंडा भी लगा दिया गया, पहले यहाँ पे झंडा भी नहीं था। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना कोई आता ही रहता है, जैसा आप देख रहे हो अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो मैं आप बैक साइड में चलता हूँ और बैक साइड से आपको इस स्टैचू को दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस पूरे एरिया को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो बैक साइड से कुछ इस तरह का दिखाई देता है ये पूरा का पूरा एरिया। इसके ऊपर चढ़ना, चबूतरे पर चढ़ना मना है, नहीं तो मैं ऊपर चढ़ता और ऊपर जाके वहाँ से आपको और सही से दिखाता। ये देखिए जैसा मैं यहाँ से दिखा पा रहा हूँ, ये शर्ट जो है बिल्कुल अलग है और जो पैंट है ये और जो शूज़ है वो तो स्टैचू के साथ ही बनाए गए हैं। सिद्धू मूसेवाला को इस दुनिया से जाए हुए करीब 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला अपने फैंस के दिल में आज भी जिंदा है। साइड के ऊपर ये झंडा भी लगा रखा है जिसपे सिद्धू मूसेवाला की 2 फोटो है, पहले ये झंडा नहीं था। और ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे तब्दीली हो रही है, काम अभी भी चल रहा है जो मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ। बच्चे बहुत बड़े फैन हैं सिद्धू मूसेवाला के, तो बच्चे खासकर यहाँ पे आते हैं अपनी फैमिली के साथ में। और यहाँ पे जो है ना देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ भी है, क्या लिख रखा है ये तो पता नहीं, पंजाबी में है। और यहाँ पे जो सिविल प्रशासन है मानसा का, वो कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। अच्छा 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 मुझे पढ़ना नहीं आता ना। तो ये लिखा हुआ है दोस्तों पंजाबी में, जैसे यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है। इसके ऊपर चढ़ना मना है, अगर चढ़ोगे तो कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे ये दिए भी जलाए जाने लगे अब। और ये यहाँ पर एक झंडा भी लगा हुआ है जिसपे ट्रैक्टर के साथ उनकी फोटो है। वो ट्रैक्टर मैंने घर पर आपको दिखाया भी है, वही वाला ट्रैक्टर है। जब मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो जब मुझे लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देख रहे थे तो वो पूछ रहे थे कहाँ से आए हो। जैसे वहाँ पे हवेली में मैं कर रहा था तो पुलिस वाले पूछ रहे थे कितों आया हो, मतलब कहाँ से आए हो। ऐसे ही जब बाहर निकला तो बाहर जो सिक्योरिटी लगी हुई थी वो भी पूछ रहे थे। फिर उसके अंदर जब मैं अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, पूछ रहा था, उन्होंने भी पूछा, उनको तो मैंने खुद ही बता दिया था पहले ही। तो और यहाँ पे जब मैं आया ये भी पूछ रहे हैं और ये मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो और यहाँ पर ये मिट्टी डाल के, ये पाइप खड़े करके और इधर की तरफ ये फ्रेम खड़ा करके यहाँ पे ये काम चल रहा है। और ये काम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पाइप वाइप खड़े कर दिए ताकि कोई इधर से उधर ना जा सके, उधर से इधर ना आ सके। और ये पूरे एरिया में ऐसे ही काम चल रहा है। और उधर जो है ना फ्रंट में इसका एक गेट बना दिया जाएगा जिसमें अंदर आने का एक टाइम रख दिया जाएगा, गेट बंद होने का और खुलने का। और दोस्तों ये देखिए सिद्धू मूसेवाला की समाधि के राइट साइड में ये 2 पेड़ है। और इन पेड़ पर देखिए आप, ये देखिए चिड़िया के लिए क्या खूबसूरत घर बना रखे हैं, मतलब चिड़िया इनके अंदर बैठ सकती है, अपना घोंसला इसके अंदर रख सकती है। और यहाँ पे देख सकते हो 4 लगा रखे हैं इस पेड़ के ऊपर। और मैंने देखा है कि यहाँ पे ना खंभों पे, पेड़ों पे इस तरह से लगा के रखते हैं। ये काम मुझे इन पंजाबियों का बहुत पसंद आया। इस वाले पेड़ पर भी है, इस पर अलग कलर का है। और ये दोस्तों बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ऐसा सब जगह होना चाहिए। मुझे ये काम बहुत पसंद आया यहाँ के लोगों का। यहाँ देखिए इसमें घोंसला भी रख रखा है, मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है इसके अंदर घोंसला रखा हुआ। और दोस्तों ये देखिए आप, ये बैक साइड में समाधि के ये एक यहाँ पे फ्रेम बना रखा है स्टील का, इसके अंदर शायद कुछ बनाया जाए। और ये इधर बैक साइड में यहाँ पे ये गेहूं के खेत है और ये सिद्धू मूसेवाला की पूरी प्रॉपर्टी है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे अभी ये हरे है गेहूं, कुछ दिनों बाद ये गेहूं काट दिए जाएंगे। और ये दूर से दूर तक यहाँ पे गेहूं दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है इस खेतों के अंदर से इस एरिया में कोई ना घुस सके और ये इस एरिया से खेतों में कोई ना घुस सके, इसके अंदर आने जाने का टाइम रख दिया जाएगा। भाई ये देखो यहाँ से बाजार शुरू होता है और यहाँ से लगा के
एक दुकान ये हो गई, और ऐसे ही जो सामान उधर मिल रहा था वही सामान है यहाँ पे। और तो दोस्तों यहाँ से ना मैं जवार के गांव जाऊंगा, तो जवार के गांव कैसे जाऊंगा यहाँ से मुझे खुद नहीं पता, भी पूछूंगा बस जाती है या कुछ और सवारी जाएगी यहाँ से, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो भाजी यहाँ से जवार के जाने के लिए कैसे जाना पड़ेगा? ऐसे आई इधर से बस मिलेगी? हाँ। बस से डायरेक्ट जवार के की मिलेगी या फिर मानसा की? मानसा की, वहाँ से फिर जवार के। हाँ। तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट जवार के नहीं जा सकते, मुझे यहाँ से पहले मान से जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर जवार के की बस पकड़ के जाना पड़ेगा आगे की तरफ। तो मैं चलता हूँ यहाँ से, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके।